जानकारी बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी में सड़क हादसे में यूट्यूबर देवराज पटेल की मौत हो गई है। बता दें लाभांडी के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद देवराज पटेल की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ का फेमस यूट्यूबर एक्टर है देवराज पटेल, जो कि हादसे का शिकार हुआ और मौके पर ही देवराज पटेल की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ रील बनाकर पोस्ट भी किया था, मौत के कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था फोटो। बता दें खमहारडी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां देवराज छत्तीसगढ़ का फेमस यूट्यूबर था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इसकी प्रसिद्ध सुनकर एक बार सीएम हाउस बुलाया था। तो देवराज पटेल सड़क हादसे का शिकार हो गया और देवराज पटेल की मौत हो गई है। दरअसल ट्रक ने देवराज पटेल को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद देवराज पटेल की मौत हो गई है। और हादसे से कुछ घंटे पहले एक पोस्ट भी शेयर किया था देवराज ने। दरअसल अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से देवराज को टक्कर मारी और देवराज की मौके पर ही मौत हो गई। यानी साफ तौर पर तेज रफ्तार का कहर जो है राजधानी रायपुर में देखा गया है। सीएम बघेल के साथ रील बनाकर भी देवराज पहले पोस्ट कर चुका है। सड़क हादसे में यूट्यूबर देवराज पटेल की मौत हो गई है। दुखद मौत की घटना सामने आई है। देवराज पटेल यूट्यूबर और फेमस एक्टर हैं छत्तीसगढ़ के, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने 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 बने, लेकिन एक तो सवाल पूछो काका, टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। मेरे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, देवराज पटेल जो कि छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर और एक्टर रह चुके हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई सड़क हादसे में। कब की घटना बताई जा रही है ये? बिल्कुल अलीशा, देखिए एक झकझोर देने वाली जानकारी जो है कुछ देर पहले ही सभी के सामने आई है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि देवराज पटेल की लाभांडी के पास सड़क हादसे में मौत हो गई, तत्काल जो है मौके पर ही देवराज की मृत्यु होना बताई जा रही है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि देवराज अब से कुछ देर पहले ही जो है एक कंटेंट के लिए वीडियो बना करके नया रायपुर की तरफ आ रहा था, और इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने लाभांडी के पास देवराज को ओवरटेक किया और इस दौरान उसकी बाइक को ठोकर मार कर वहां से फरार हो गया। देवराज की मौके पर मौत हो गई और उसके एक अन्य साथी जिसे गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि देवराज छत्तीसगढ़ के महासमुंद का रहने वाला एक यूट्यूबर था, एक छोटा सा कम उम्र का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में पूरे प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान बना चुका था। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देवराज को मुख्यमंत्री निवास बुलाए थे और उसके साथ बातचीत की थी और रात का डिनर भी किया था। इसके साथ ही बता दें कि देवराज छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश भर में जो है रोशन करता हुआ भी नजर आ रहा था। बीते दिनों भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार भुवन बाम के साथ भी देवराज एक फिल्म में एक रोल करते हुए नजर आया था, जिसका नाम ढिंढोरा थी। तो उस फिल्म में भी देवराज को एक अहम जिम्मेदारी मिली थी और उसके बाद लगातार देवराज छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से अलग अलग क्षेत्रों से वीडियो बना करके यूट्यूब में डालता था, जिसे लोग बेहद पसंद करते थे। और उसी की एक झकझोर देने वाली घटना आपसे कुछ देर पहले सामने आई कि लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास देवराज की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। और इससे भी एक बात ये भी सामने आई अलीशा कि सड़क दुर्घटना से ठीक कुछ देर पहले ही देवराज पटेल ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में भी जो है हमेशा की तरह लोगों को हंसाने वाला एक कंटेंट था और उसमें अंतिम में भी देवराज इस बात को कहते हुए नजर आए कि अब चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय। तो ये पूरी जो है घटना सामने आई है, तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना है। बिल्कुल शिवम, बेहद ही झकझोर देने वाली खबर ये सामने आई है, देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।